नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। पिछले सप्ताह के टॉप के खबरों में दिल्ली हाईकोर्ट का देवंगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ तन्हा को बेल दिलवाने में रोल सबसे अहम है। 15 जून का हाईकोर्ट का बेल ऑर्डर हिंदुस्तानी ज्यूरिसप्रूडेंस में ऐतिहासिक है। इसका मूल कारण है कि जस्टिसेस सिद्धार्थ मृदुल और अनूप भंबानी ने यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट उसका पूरा पिटारा खोल दिया है। It is true that the High Court's order is not the final one, as the Supreme Court is hearing a special leave petition filed by the Delhi police against the order. In fact, it has issued notice on the Delhi police appeals challenging the High Court order which grants bail to the three activists in the main Northeast Delhi riots conspiracy case. इसका मतलब सीधा है, इन तीनों का बेल परमानेंट नहीं है। ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात भी है कि इनके खिलाफ ट्रायल होना अभी बाकी है। हम ये भी जानते हैं कि बहुत और नौजवान हैं जो अभी भी जेल में यूएपीए के ट्रम्प्ड अप चार्जेस में बंद हैं। अपने रिलीज के बाद इन एक्टिविस्ट ने और उनके समर्थकों ने अपने साथियों के समर्थन में नारे भी लगाए थे। बहुत और अन्य एक्टिविस्ट हैं, जैसे तथाकथित भीमा कोरेगांव कॉन्स्पिरेसी केस में जिनको आरोपी बनाया गया है, वे भी न्यायिक हिरासत में हैं। हम सब इस बात से अवगत हैं कि यूएपीए का मिसयूज बहुत बढ़ गया है इन रीसेंट इयर्स, स्पेशली आफ्टर 2014। पिछले सप्ताह इस केस से जुड़ी हुई एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। 14 जून को गिरफ्तारी के लगभग 9 साल बाद दो मुस्लिम पुरुष मोहम्मद इलियास, जिनकी उम्र 38 है, और मोहम्मद इरफान 33 वर्षीय, उनको एक स्पेशल कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। दरअसल अगस्त 2012 को उन्हें यूएपीए के तहत महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने गिरफ्तार किया था। द चार्ज वॉज दैट दे हैड अलेज्ड लिंक्स विद द टेररिस्ट आउटफुट लश्कर ए तैयबा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 2013 में जांच का जिम्मा ले लिया था। उन दोनों के बेल एप्लीकेशंस को कई बार अलग अलग कोर्ट्स ने खारिज किए। इरफान को फाइनली जाके बॉम्बे हाई कोर्ट से बेल मिल भी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया। अब कौन इनके जिंदगी की प्राइम यूथ के 9 साल को लौटाएंगे, कौन इनके कारोबार को फिर से पटरी पर चढ़ाएंगे, कौन इनको कॉम्पेंसेट करेगा, क्या कभी वे कॉम्पेंसेट होंगे? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी को थ्री आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। लेजिस्लेचर का उद्देश्य सभी नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को बनाए रखने वाले कानून बनाना है, लेकिन 1947 के बाद से पिछले 74 वर्षों में बार बार भारतीय लेजिस्लेचर ने ऐसे कानून बनाए हैं जो फंडामेंटल राइट्स को कॉन्ट्रडिक्ट करते आए हैं। On most occasions, these draconian laws continued even after the circumstances which required their passage had ceased. UAPA अकेला कानून नहीं है जो fundamental rights और fair jurisprudence की दृष्टिकोण से deeply problematic है। यूं कहिए, National Security Act, Public Safety Act, Armed Forces Special Powers Act और कई अन्य भारत में कठोर एंटी डेमोक्रेटिक कानूनों हैं जिनका एक जाल फैला हुआ है। यूएपीए को लेकर एक
खास बात और भी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि इस कानून की धारा 15 के अंतर्गत आतंकवाद की परिभाषा अस्पष्ट है। एक और अहम बात, एनसीआरबी की डेटा कहती है कि 2019 तक 5 साल में जितने भी लोगों को यूएपीए में गिरफ्तार किया गया था उनमें से सिर्फ 2% लोगों को अपराधी ठहराया गया है। आतंकवाद के आधार पर गिरफ्तार होने वाले 7,840 लोगों में से सिर्फ 155 को ट्रायल कोर्ट ने अपराधी ठहराया है। इन फैक्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज और एंटी टेररिज्म लॉज जो क्रिमिनल लॉ के रेगुलर सिद्धांतों से डेविएट होते हैं उनका दुरुपयोग का एक लंबा इतिहास है। ऐसा नहीं मानिए कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज एनडीए के कार्यकाल में ही पारित किए गए बिटवीन 1998 एंड 2004 एंड अगेन आफ्टर 2014 टिल नाउ। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज संविधान के साथ आए थे, उसके बाद अलग अलग कांग्रेस और उसके बाद के सारे सरकारों ने सप्लीमेंट्री कानून एक के बाद एक लाते गए। प्रिवेंटिव डिटेंशन कॉलोनियल पीरियड में कानूनों में था और इसका राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत डीप प्रोटेस्ट होता था उसके खिलाफ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहस हुई थी काफी लंबी, व्हाट टू डू विद प्रिवेंटिव डिटेंशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। फाइनली 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट टेम्पररी मेजर के तौर पर पास किया गया था, बट दिस लॉ जो पार्टीशन के समय कम्युनल वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए लाया गया था वो अलग अलग रूप में 1969 तक कंटिन्यू करता रहा। यूएपीए अपने प्रेजेंट फॉर्म में सरकार को हक देती है वो चाहे किसी भी नागरिक को टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकती है। कोर्ट फैसला सुनाती रहेगी अपनी धीमी रफ्तार से, तब तक एक्यूज्ड जेल में ही रहेगा, बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि द राइट टू प्रोटेस्ट और टेररिज्म सिनोनिमस नहीं है। इट इज आयरोनिकल, UAPA is not originally the brainchild of this government. 2017 में UAPA ने इंडिया के लॉज में 50 वर्ष पूरे किए थे। दरअसल 30 दिसंबर 1967 को इंदिरा गांधी की सरकार ने UAPA को इनैक्ट किया था। उस कानून से सरकार को पावर्स मिले थे किसी भी एसोसिएशन को अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकती थी। द ओरिजिनल यूपीए's ऑब्जेक्टिव वाज टू गिव द गवर्नमेंट पावर्स टू डील विद एक्टिविटीज अगेंस्ट द कंट्रीज इंटेग्रिटी एंड सॉवरेंटी। इलीगल या क्रिमिनल घोषित होने से एसोसिएशंस पर ऑल इंडिया बैन लग सकता था। यूएपीए को एनैक्ट करते समय दो मूल कारण थे। फर्स्ट, चाइना से 1962 का युद्ध जिसके बाद 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया गया था। इस अमेंडमेंट से हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो कि आर्टिकल 19 के तहत आता है हमारे संविधान में, उसमें रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। ऑलरेडी 1951 में संशोधन द्वारा फंडामेंटल राइट्स को दो शब्दों से रेस्ट्रिक्ट किया गया था, रीजनेबल एंड पब्लिक ऑर्डर, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल का जो एक्सप्रेशन है वो रीजनेबल होना चाहिए और सार्वजनिक व्यवस्था नॉर्मल बनी रहनी चाहिए उस एक्सप्रेशन के इस्तेमाल से। द 1963 अमेंडमेंट टू आर्टिकल 19 इंट्रोड्यूस अनदर कॉन्सेप्ट, ऑल एक्सप्रेशंस must be in the interest of the sovereignty and integrity of India, the security
ऑफ द स्टेट दैट बिकेम पैरामाउंट। यूपीए लाने का दूसरा कारण था डीएमके का 1967 के चुनाव के दौरान का इलेक्शन मैनिफेस्टो। इसमें भारत से तमिलनाडु के सेसेशन की बात की गई थी। कुछ वर्षों में डीएमके सत्ता में आने के बाद उन्होंने सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स छोड़ दिया, लेकिन तब भी यूएपीए हमारे स्टैट्यूट बुक्स में कंटिन्यू करता रहा। जनता पार्टी ने एक और ड्रेकोनियन मेजर जो इंदिरा गांधी ने इंट्रोड्यूस किया था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, उसको तो नलिफाई कर दिया, परंतु यूएपीए को नहीं किया। 1980 में एक और प्रिवेंटिव लॉ पास हुआ, द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। एनएसए एक्वायर्ड परमानेंट स्टेटस इन आवर लॉ बुक्स। 1985 के पहले भारत में कोई एंटी टेररिस्ट लॉ नहीं था। ऑल एक्ट्स ऑफ टेररिज्म प्रायर टू दैट वर ट्राइड अंडर एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉज फॉर मर्डर और रायटिंग और इवन अटेम्प्ट टू मर्डर। 1985 में टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लाया गया, उसको पास किया गया। इंपॉर्टेंटली TADA और टाडा एज इट वॉज कॉल्ड डिड अवे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल। नरसिम्हा राव सरकार ने 1995 में टाडा को लैप्स होने दिया बिकॉज ऑफ एलिगेशंस ऑफ वाइड स्प्रेड अब्यूज ऑफ द लॉ। वाजपेयी सरकार ने 2001 की घटनाओं के बाद से एंटी टेररिस्ट लॉ एक और दोबारा लाने की कोशिश शुरू की, परंतु विपक्ष ने उसको राज्यसभा में ब्लॉक कर दिया। उसके बाद सरकार ने जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस बिठाकर प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा पास करवा लिया। 2004 में यूएपीए की सरकार ने पोटा को तो रिपील कर दिया, बट उसके कुछ महीनों के अंदर ही यूएपीए में फ्रेश अमेंडमेंट्स किए गए। उसके बाद एक तरह से ये अमेंडेड यूएपीए पोटा का एक मिरर इमेज दिखने लगा। अमेंडेड यूएपीए चेंज द डेफिनेशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी। इट आल्सो फ्रेशली डिटेल्ड व्हाट वाज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूटेड अ टेररिस्ट एक्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ टेररिस्ट गैंग वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड अंडर द अमेंडेड यूएपीए इन 2004। दीज डेफिनेशंस वर वेरी सिमिलर इन द वर्डिंग दैट वाज देयर इन पोटा। टेररिस्ट एक्ट का मीनिंग क्या है, इसका विस्तार से 2004 के अमेंडमेंट में किया गया। 26/11 मुंबई टेरर अटैक के बाद यूएपीए में फ्रेश संशोधन या अमेंडमेंट किया गया। टाइम पीरियड ऑफ कस्टडी ऑफ द अक्यूज्ड विदाउट अ चार्ज शीट वाज एक्सटेंडेड टू 180 डेज, 6 महीने। 2008 के अमेंडमेंट के द्वारा यूएपीए में बेल प्रोविजंस को और कड़े कर दिए गए। एंटीसिपेटरी बेल वाज नॉट एप्लीकेबल फॉर दोज चार्ज्ड अंडर यूएपीए। अंतरराष्ट्रीय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट मनी लॉन्डरिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग को मीट करने के लिए 2012 में यूएपीए ने फिर से अमेंडमेंट किया। देश की आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अपराधों को आतंकवादी एक्ट की परिभाषा में जोड़ा गया। इस सरकार ने जुलाई 2019 में चुनाव के नतीजे आने के ठीक कुछ ही सप्ताह के बाद यूएपीए में फेर संशोधन किया। क्लियर हो गया कि यह सरकार जो है वो अपने मस्कुलर नेशनलिज्म के नैरेटिव को आउट ऑफ फोकस नहीं होने देगी। संशोधन के बाद ये कानून अपने मूल कैरेक्टर में और कठोर और बेरहम हो गया। 2019 के अमेंडमेंट द्वारा
यूएपीए में दो मुख्य चेंजेस हुए. फर्स्ट, इट गेव ग्रेटर फ्रीडम टू द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए टू सिक्योर कंट्रोल ऑफ द केसेस विच वर अदरवाइज अंडर द डोमेन ऑफ द पुलिस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स. इससे हमारा फेडरल सिस्टम अंडरमाइन हुआ. दूसरा जो परिवर्तन था वो हमारे डेमोक्रेटिक कैरेक्टर के लिए ज्यादा खतरनाक था. 2019 के अमेंडमेंट के बाद सेंटर को पावर मिल गया टू डिक्लेयर इंडिविजुअल्स एज टेररिस्ट एंड नॉट जस्ट ऑर्गेनाइजेशंस. इसीलिए देवंगना, नताशा और आसिफ और अनेक उनके जैसे गिरफ्तार हैं अंडर यूएपीए इवन दो दे आर नॉट पार्ट ऑफ एनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. केंद्र के पास स्वीपिंग पावर्स हैं. अब वो चाहे तो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, चार्जेस लगाए बगैर लंबे समय तक डिटेन कर सकती है. हिंदुस्तान में आज रिलीजियस माइनॉरिटीज और डिसिडेंट्स के खिलाफ बहुत एंटीपैथी दिखती है. जेल्स में 53% मुसलमान, दलित या आदिवासी हैं, लेकिन उनका इंडियन पॉपुलेशन में टोटल मात्र 39% है. अगर हम इतिहास के तह तक जाएं तो पता चलेगा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का इतिहास 250 साल पुराना है. हर कुछ वर्ष के बाद उस समय की सरकार एक नया कानून लाती है और अपने आप को और एम्पावर करती है. द स्टेट बिकम्स मोर एंड मोर रूथलेस विद द पैसेज ऑफ टाइम. बस उम्मीद कर सकते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट से यूएपीए और प्रिवेंटिव डिटेंशन के कॉन्सेप्ट को ज्यादा ह्यूमेन बनाया जाएगा. द यूथ ऑफ एवरी कंट्री हैव ऑलवेज बीन फोर्स मल्टीप्लायर्स. वी सॉ दैट हैपेंड इन इंडिया इन 1974-75 एंड सिमिलरली इन द 1960s एंड 70s in several other parts of the world. We also saw something very similar in India in 2011 during the India Against Corruption movement. Naujawan jab bunyadi sawal uthate hain to draconian laws se rahat ki ummeed dikhai dene lagti hai. Namaskar. We'll be right back.